नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोर न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी बॉर्डर पे। लगातार 2.5 महीने होने को हो गए हैं और मैं यहाँ से रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। हर तरीके से जो है यहाँ पे आंदोलनकारी आते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रूटीन बनाया गया है कि कुछ किसान जो है यहाँ पर हमेशा आए, फिर कुछ किसान जो है चले जाए, क्योंकि यहाँ पे उतनी ही संख्या चाहिए जितनी की आंदोलनकारियों की जरूरत है। हमारे साथ आज बिल्लू ताऊ मौजूद है, जिनका असली नाम जो है बिल्लू चौधरी है। हालांकि बिल्लू चौधरी से हाँ कैसे ताऊ बन गए, आइए उनसे बातचीत करते हैं। और इस आंदोलन की आन बान शान और एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पे भी जाने जाते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है बिल्लू जी। क्या धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। पूरे आंदोलन में आप एक सेलिब्रिटी के रूप में जाने जा चुके हैं अभी आप। भैया ये तो पतोना काय में जान रहे हैं, पर हमने चार बात कही है, किसान की समझ में आ रही है वो, और फिर तुमने आप पूछी, अब दोबारा फिर कह दी, फिर पूछी, फिर कह दी, यूं कहते सुनते रहे। अब चलो देसी अंदाज में बोलते हैं, तो इसलिए जो है जो दर्शक हैं काफी इनकी बातों को मानते हैं, अच्छा भी लगता है क्योंकि देसी अंदाज में बोलते हैं। तब एक सवाल है मेरा कि 11 दौर की बातचीत हुई है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि किसानों की और हमारे बीच में जो है सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। किसान भाई बातचीत कीजिए, बीच का रास्ता निकलेगा, फिर क्या दिक्कत है? उससे माए गई है वो जो कॉल जो जाते होगी, उससे में है नंबर है काई पे, कई दिन है गए यार वो बात है, तो कोई नंबर आएगा तुम्हें मिल गया कोई नंबर। कह रहे हैं कि बहुत सारे जगह हैं जहाँ से आप उनके ट्विटर हैंडल से चाहे जगह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यार हम ट्विटर चलावे किसान आदमी, हम पे ही सोता है या मैं ट्विटर चल रहे बताए, हम ट्विटर चले कहाँ है, हम ट्विटर बताइए, और मैं दिखाऊँ नहीं, और लाओ भाई साहब नहीं अपने फोन ट्विटर के फोन दिखाऊँ किसान आदमी पर टूटर ये टूटर हाँक रहे हैं, ये टूटर हक है, ये टूटर हाँक है, ये टूटर हक रहे हैं। यार बात हुई तुमने कहा से नहीं बीमारी ढूंढ लाओ। एक चीज और भी है, अब तोबर जी ये भी कह रहे हैं कि 2.5 महीने से थोड़ा जगह दे दीजिए, उजाला आने दीजिए। 2.5 महीने से जो है अब किसानों से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, शांतिपूर्वक से बातचीत कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, किसी मंत्री तोमर जी कह रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है इस बिल में काला क्या है जो इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं मेरी तो यही समझ में ना आ रहा हो कि कृषि मंत्री आए बता दें कि हम सफेद कहाँ है, सफेद सोना देते हैं हमें लिखा के भाई कालो ना आए, चलो या मैं कालो है या ना आए, सफेद भी होगा कुछ तो वह सफेद लिखा रहे वहां में से भाई, हम तो मोटी बात चाहे दूध चलामे जब घी एक माई है जाए और छाछ एक माई है जाए, तो वह कानून में तो वह घी लिखा के हमें दिखा दे कि भैया घी है, हमें छाछ एक माई करें, पर अगली बता दूं उस अगली छाछ है ही घी है ही ना अगर अगली बोते पूछ ले वो है ही ना। तो फिर कैसे आप देखते हैं कि इतनी सब कुछ बातचीत हो गई है, 26 तारीख का पूरा माहौल देखने को मिला, उसके बाद 28 तारीख को जहां पे हम लोग मौजूद हैं यहां पे एक अलग ही तरीके से माहौल देखने को मिला, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है अभी समांतर तरीके से चल रहा है, कब तक ये आंदोलन चलेगा कुछ समझ नहीं आ जब तक हमारा काम खत्म ना हो, कब तक होने वाला है अब यार, तो भैया नेता ही बताएंगे कब तक करेंगे ये काम खत्म, ये तो सरकार बता देगी भाई, हमें कहा पता कब खत्म होगा, हमारे हाथ में दे हम तो अभी फाड़ देंगे वहाँ के ले खत्म कितना अब हम पे है तो ना हो। अच्छा एक बात बताइए कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश से किसान आ रहे थे, उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको चालान काटा जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इस तरीके से किसानों को भी वो किया जाएगा, और साथ ही साथ जो ट्रैक्टर कह रहे हैं 10 साल के बाद आप नहीं चला सकते हैं, कैसे देखते हैं, थोड़ा सा उजाला कर दीजिए भैया, बार बार मैं कह रहा हूँ। हाँ नहीं इनके 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 नेताओं की भी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 एक बात बताओ, ये बुढ़े नेता तो या देश है हाँक रहे हैं, हमारे बुढ़े ट्रैक्टर खेत भी ना जोत सके भाई, हिसाब लगाओ तुम भी थोड़े बनो, इन नेता की भी को उम्र है कि भाई जब तक राजनीति करोगे, ये कवर में कुछ और कुर्सियां पे खेत पकड़े बैठे रहे 10 साल में ट्रैक्टर को कुछ बिगड़े, क्या बिगड़े भाई 10 साल में ट्रैक्टर को, पोल्यूशन होता है, हाँ पोल्यूशन होएगो, और ये बुढ़े नेता खां संगे बात है पोल्यूशन ना होएगो, एक बेकार की बात है, इनको कोई बढ़िया काम ना है, इनको ट्रैक्टर में तेल ना दोगे फिर क्या करोगे, आदमी यहाँ आने से रुक जाएगा।
अच्छा एक चीज और है कि बार बार जो है इतने दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आते हैं, आप लोगों को संबोधित करके चले जाते हैं, पूरे देश की जनता को संबोधित करते हैं, कह रहे हैं अभी हाल ही के दिनों में चौरी चौरा में भाषण दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किसान इतना डरे हुए क्यों हैं, उनकी ना तो जमीन जा रही है ना ही उनका खेत जा रहा है, फिर क्यों परेशान है? एक बात बता दूं? बिल्कुल बताइए एक बात। जब दूध में भुगजा आना आदमी तो चाय भी फूंक मार के पीने लगे। जब इन्होंने डराई पहले दे रखे हैं सरकार ने इतनी हैं, इनते जिंदे आदमी डर रहे हैं, मुर्दे इनते डर रहे हैं यार। मुर्दे इनकी पता ना कैसे डर रहे हैं, कैसे डर? शमशान घाट बना रहे हैं वहां में, वो मुरादनगर में, महीना डेढ़ महीना हुए लेंडर जा पर 30-40 आदमी मर गए वहां में। अब तो यार मरने के बाद भी आदमी ये के भैया कहे खेत की मेड़ में फूंक दीजो वो शमशान को बदले दीजिए। हिंदे जिंदे मुर्दे भी डर रहे यार इनसे, ये किसान डरे हो क्यों भाई? जब तुमने डरा रखे तो ये डरे ना, गरीब बेचारे क्या करें, साफ सुथरी राजनीति करो तुम, काहे को डरेंगे ये? तुमने बेका बेका के नए नए फॉर्मूला या देश में लाए हो, 7 साल है गए तुम्हें भाई। एक बात बताओ, विकल्प कोई होना वोट इन्हें दे दें, ये 15 लाख की भी झूठ ना बोलते तो भी इन्हें वोट देते लोग, ऐसा तो हो ही ना भाई। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यार हर माने भगवान के, एक इंसान को या देश की भोली जनता ने भगवान की उपाधि दे दी, कितनों बड़ा सम्मान दियो, और घनों सम्मान मिल जाए ना, रखे ना आए आदमी पे, सम्मान मिल तो जाए, रखानो भारी पड़ जाए, इनके संग फिर देश पूरा वहां में लगा दियो लेन में, नोटबंदी कर दी तुम। यार एक बात बताओ, नोटबंदी करी का विरोध करो, बताओ क्यों ना करो? सब जाने कहीं गलत होयो है, हो रहे हो कैसो ना हो, कारो धन लिख रहे कहीं थे, दो आने कहीं थे इन पर आए नहीं, दो आने फिर ये GST लिया आए, हो रहे हो भाई किसान ने सोची है सके सरमाएदार के यहाँ टैक्स की चोरी होगी, भाई टैक्स आवे वो कहीं आयो खजाने में कोई रुपया, इनको झूठ बोलते रहे, नई नई फॉर्मूला निकालते रहे, फिर इन्होंने कही भैया एक काम करो थारी बाजार लगो, पूरो देश लगो थारी बाजार, क्योंकि भैया दिए जरान लगो, दिए जरान, मन की बात सुनो, खूब सुनी, अब जहर खा के मर जाए, आत्महत्या करें, क्या करें अब भाई, अब ना बस की अब है कि अंत, और जब अंत है जाकर चीज को तो वह जा खत्म, पूरी सच्ची बात है, अब बर्दाश्त ना है। 21वीं सदी में भारत को किसान MSP से नीचे अपना माल बेचना पसंद नहीं करेगा, अब बर्दाश्त नहीं करेगा, आगे समझ में ये कानून है यार, हम पे लाद ना सके, जबरदस्ती इनकी हिम्मत नाम पे लाद दिया कानून ला दो। कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि टिकट जिससे ज्यादा जमीन हमारे पास है, तो जब हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो फिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कुछ नेता कौन है बीजेपी में? कुछ ही नेता तो है जो देश से चला रहे हैं, बाकी तो हाथ उठावान की भीड़ है, जैसे पहली के बालगन में पहली क्रासों बालक हाथ उठा दें, यूं कहे सर यूं कहा सर बैठ जा, ये कहानी है वहां, कुछ ही तो हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, बाकी तो 290 की तो भीड़ है पीछे, हाथ उठा दें किस्सा खत्म कर रहे हैं वो। अच्छा एक चीज और है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे दिल में किसान बसते हैं और उनका गांव बसता है, तो जाहिर सी बात है हम कभी गलत बिल ला ही नहीं सकते ना उनके बारे में सोचते। या देश की जनता के दिल में 2014 में मोदी जी बसे और 19 में भी बसे, बसे या ना बसे? अरे बसे है के ना बसे? हर हर मोदी, हर माने भगवान के, और भगवान दिल में रहे, आत्मान में आदमी मानता है भगवान, जब तुम पे झिली ना रहो तो फिर कहा करें बता हमें, भावनान में देश वहाँ हो, अब भावनान में नहीं बहेंगे भाई, अब काम चाहिए जमीन पे। 70% भारत गांव में बसता है, गांवन में स्कूल ना है, गांवन के बालक बेरोजगार घूम रहा यूथ, या यूथ ने जिता दिए, 65% जो युवा है वाने जिताए ये, और युवा बेरोजगार है। 20 साल को बालक 2014 में ये सोच रहा कि मोदी की सरकार आएगी मुझे नौकरी मिलेगी, बाकी उम्र रहेगी 28 साल, बाहर रह गए सफेद, नौकरी को काम खत्म,
और मैं जाट हूँ, जाट में ब्याह भी जब हो जब नौकरी पे लग जाए, अगली बार बता दूँ मैं तो। जाट में ब्याह ना हूँ आधा नहीं थे नौकरी बारे के हूँ, इन्हें तो पीगी खत्म कर दी यार। अब जिन बालकन के ब्याह आऊंगे वो बाबा जी है ना आएंगे, जैसे आधे से ये डोले ऐसी हमारे बालक कर भाई, जैसे ये डोले आधे से ऐसी हमारे बालक कर दिए, पता क्या करे हम। अब उन बालकन से ये कहे भैया मंदिरन पे जाओ तुम बाबा जी बन जाओ, ये कहे उन बालकन से हम, ब्याह तो होने ना उनके, रोजगार खत्म, उसको वंश खत्म, अब बजाओ टुंडनी घंटी बजाओ, जाओ घंटी बजाओ, अब ना चलेगी यार, अंत है गई बिल्कुल, अंत है बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि आर्थिक जो है किसानों की मजबूती तय वो करने के लिए, जो है मजबूत करने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है, जिसमें जो है किसानों की आमदनी दुगनी होगी और साथ ही साथ जो गांवों की सड़कें हैं वो चौड़ी होंगी। तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मीडिया बारे बिना गणित के डोलो, तुम पढ़े गणित पढ़े हो तुमने थोड़ा सो, तुम यो कहोगे बुड्ढो तुम मेर लगाई हो तुम भी बेटा, 8,000 करोड़ रुपया तो यूपी के गन्ना किसान को बाकी है, 30-32 प्रांत है भारत में, और प्रांत में भी स्थिति खराब होगी तो बात 40,000 में तो कर्जी ना पटे किसान को, विकसित खाते है वो कहा आवे 40,000 में, कहा हो 40,000 करोड़ पता कहा हो। तो फिर इस बजट से आप लोग कुछ फायदा होगा कि नहीं, कहा तुम्हें फायदा आया बजट, कहा हो बजट में है ही कट बजट, कह रहे हैं आसानी से जो है किसान भाई जो है जब पक्की सड़कें मिलेंगी चौड़ी सड़कें मिलेंगी तो आसानी से, तो नहीं सड़क यार जो वहाँ पे चले वो उदाम देगो भाई, सड़क पे तू चले हो जाए 10 किलोमीटर रुपया देने पड़ेंगे, जा टोल बोले ना तेरे हुक्का से धल्ले को हुई यहाँ दर्द सड़क बेच दे, सड़कन को गीत कहा है भाई, सड़कन को कोई गीत ना, वो तो बिक गई अब सब जो कई। अच्छा बार बार जो है आमदनी दुगनी करने की बातचीत कर रहे हैं, कई दिनों से ये सुना जा रहा है आमदनी दुगनी हो जाएगी, आमदनी दुगनी हो जाएगी, होगी भी या फिर एक बात बता दूं मैं तो ना, ये सब जाने आए वही तो पूछनी है, तुम दो जने हो, अगर ये सच बोलते तो तुम दोनों ने 30 लाख मिलते, अपना शोरूम सो बना दो और बैठ जा तो, या चिलम सी लेके ना डोल दो, फिर बुरो मत मानियो मेरी बात, मिल गए 15-15 लाख। झूठ बोलने काम है यार, दिन भर झूठ बोले दिन भर, एक तो मीडिया ऊपर बैठी कहाँ, वो 3-4 चैनलें वो महीना भर पहले ढोल पीटल लगे, ये आ रहा ये आ रहा ये आ रहा, फिर ये लेकर पड़े वहां कच है सौदा ही ना, कच भाई कोई सौदा हो तो बता दो हमें, कोई सौदा है, इतने बड़े सेक्टर को कानून ले आई तुम, राज्यसभा में कोई बहस नहीं, लोकसभा में कोई बहस नहीं, किसान थे कोई राय नहीं, रात को सरमाएदार ने सपने में दिख गए और दिल लिख रहे कागज लिख दिए कानून हो गए जी, कहा बता रही महामारी में याद आने की, सरमाएदार ने पहले से पता है कि तुम्हारी नहीं आई तो मारो है, और जहाँ पे लाद रहे वहां पता ही गरीब ना कहा है रो। ठीक है तो आप आखिरी मैसेज क्या सरकार को देना चाहते हैं, भगवान इन्हें सदबुद्धि दे रहे काम है निपटा दें और हम अपने घर को चले, और कहा मैसेज दूं मैं इन्हें, कुछ लगता है आप अपने उससे बताइए कि आपका पर्सनली क्या रिव्यू होने वाला है, क्या लगता है कि सरकार मानेगी, भैया मानना तो पड़ेगो बेटा, मानना पड़ेगो, या लदवाएंगे ना हम अपने ऊपर ऐसा ना लदवा में जैसे लाद चाहे, आंदोलन जारी रहने वाला है, रहने वाला नहीं है चल लो है। अच्छा कीले लगाए जा रही है उसको लेकर के, और कहा करेंगे भाई, इनकी बात तो वो एक शेर याद आ रहे हो, कि वफा की उम्मीद तो हमें इनसे पहले भी ना थी, अब तो देखना इतना कि जालिम कहाँ तक हैं, समझ में आई। तो ये हमारे साथ जो है देसी अंदाज में बोलने वाले बिल्लू ताऊ जी हैं, जो लगातार आप सोशल मीडिया पे इन्हें देखते रहते होंगे, और साथ ही साथ जो है यूपी बॉर्डर पे है एक बड़े चेहरे के तौर पे भी इन्हें देखा जाता है, और बखूबी जो है इनके फैन फॉलोअर्स है अब पहले से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बेबाक तरीके से जो अपनी बातों को रखते हैं किसानों तक जो है पहुँचाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा डीएसपी न्यूज़, धन्यवाद।